ये देखिए लंगूर की शैतानी। तो देखिए सभी बड़ों को मेरा नमस्कार और बच्चों को मेरा प्यार और आशीर्वाद। तो कैसे हो सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। और अभी दिन के 2:30 बज गए हैं और बारिश लगने लगी है, तो पहले तो कपड़े उठा ली थी, बाहर कपड़े रखे थे सूखने को। अभी तो भली चंगी धूप लगी थी, जल्दी से जाऊँगी, पहले तो कपड़े उठाऊँगी। और सब ऐसे धूप लगी थी आज इतनी बढ़िया ना, अभी लगी एकदम से बारिश। में वीडियो रात करने लगी ना, एकदम से गिरने लग गई। और मैं अभी घास काटने को जा रही थी तो उतने को अभी तो लग गई बारिश। अभी थोड़ी देर देख ही लेते हैं इसको। और 2-3 दिनों से हो रही है बारिश है तो लगातार ना, पर कल नहीं हुई थी दिन में, बाकी आज भी सुबह से नहीं लगी थी अभी। तो आज तो मुझे ऐसे लग रहा था कि आज बारिश नहीं होगी, आज फिर से लग गई। और मुझे वीडियो बनाने को लगता है आजकल टाइम, तो अभी मैंने बोला कि घास काटने को भी जाऊँगी तो जल्दी से वीडियो की स्टार्टिंग भी कर लूँगी और वीडियो भी बना लूँगी। तो अभी ना बारिश ने डाल दिया कचड़ा, तो चलिए अभी मैं क्या करूँगी कि मैं थोड़ी सी गेहूँ साफ करूँगी। पुरानी रसोई में जाऊँगी ऊपर अपने में, लिबा तो बारिश लगी है वहाँ पे रखी है गेहूँ, और मुझे उसका ना आटा पीसना है। और अभी बारिश में उसको साफ़ कर लूँगी अंदर जा करके। मैं ऊपर जाऊँगी रसोई में, अभी सूप ले आऊँगी, ये रहा सूप। और अभी तो बारिश ना जोर की गिरने लग गई है, घनी घनी गिरने लगी। दरवाज़ा बंद कर दिया है मैंने, नहीं तो अंदर ना बाकी पशु। तो अभी मैं आ गई हूँ अपनी पुरानी रसोई में, यहाँ पे मुझे गेहूँ साफ करनी है। और मैं गेहूँ निकालूंगी पहले तो ड्रम में से। तो ये निकाली है मैंने गेहूँ, और यहाँ पे बैठ करके मैं इसको साफ करूंगी। तो गेहूँ कर ली है मैंने साफ, यहाँ पे बाल्टी में डाली है, कोई 6-7 किलो गेहूँ साफ किए मैंने अभी फिलहाल तो। और बाहर अभी बारिश भी रुक गई है, जो कि बारिश लगी थी और अंदर से चिटकू लगा रहा है आवाज़। इसको जाना है चरने के लिए, अभी मैं इनको ना चरा करके लाई थी, 1:30 बजे बांधा था मैंने इनको, अभी तो 4:30 बज गए हैं दिन के। तो अभी इनको चराने को तो ले जाऊँगी, पर अभी बाद में ले जाऊँगी, अभी नहीं है टाइम। अभी घास काटने को जाऊँगी मैं, और पशुओं को बांध लिया है बाहर। ये भी चरने को जाते हैं सुबह 11-11:30 बजे तक चरते हैं ये, और फिर उसके बाद इनको बांध लेते हैं अंदर। बाकी अभी इनको बाहर बांधा है तो अभी तो इनको घास काट करके लाएंगे, वही खाएंगे फिर ये। तो ये तो वहाँ पे पीछे काटने लगे हैं घास, मैं जाऊँगी घर के ऊपर काटूँगी थोड़ा सा घास। चलिए ले चलती हूँ आपको भी। और अभी कोई 2 साल पहले हमने मिट्टू को बेचा था ना, तो तब हमारा आंगन हो गया था खाली खाली, क्योंकि चंदू था तब बहुत ही छोटा सा। तो ये 2 ही थे, चंदू और चंदू की मम्मा चांदनी। अब ये 3 हो गए हैं तो हमारा आंगन फिर से भर गया है। ये देखिए अभी तो बकरियां भी हो गई है 3-3, अभी तो काफ़ी पशु हो गए हैं फिर से। तो अभी चलते हैं घास काटने को। और यहाँ पे हमारे घर के ऊपर ना इतनी लंबी घास हो गई है, पर इसको तो बारिश में नहीं काटना है, थोड़ी छोटी घास काटनी है, क्योंकि बारिश में पशुओं ने इसको खाना नहीं है, ऐसे बिछाना है, फिर ये सड़ जाएगी सारी। अगर धूप होती बढ़िया तब तो कुछ ना सूख जानी थी, फिर भी सूखा घास भी पशुओं के काम ही आता है। तो ऐसी बारिश में तो थोड़ा छोटा ही घास काटना होगा, पर इस साइड को चलूँगी मैं। और यहाँ पे रास्ता भी नहीं दिख रहा है, घास इतना लंबा लंबा हो गया है। यहाँ पे काटना है मुझे इस तरफ को, 1-2 दिन पहले भी काटा था मैंने यहाँ पे, यहाँ पे थोड़ा छोटा छोटा घास है, पर यहाँ पे ना चलारा गिरा हुआ होता है काफ़ी सारा, मतलब चीड़ की पत्तियाँ, क्योंकि यहाँ पे है चीड़ के पेड़ काफ़ी सारे। हमारे यहाँ पे जंगल है नज़दीक में ही ना, ये देखिए घर के बिल्कुल पास में जंगल है, उस तरफ को भी है, ऊपर को भी जंगल और इस तरफ को भी जंगल ही जंगल है। ये देखिए चारों तरफ को जंगल ही है यहाँ पे हमारे घर के पास में। तो यहाँ पे मैंने काटे हैं 3 पुले घास के, एक मैं ले चली हूँ घर को क्योंकि मैं चल पड़ी हूँ अभी घर को, और 2 पुले यहाँ पे रह गए हैं, तो ये हरदीप के पापा ले आएंगे, यहाँ पे काटना भी है उन्होंने।
और मुझे चरानी है बकरियाँ, क्योंकि बादल गरजने लग गए हैं, कहीं बारिश ना लग जाए तो वो भूखी है अभी, नहीं तो उनको ना घास लाना पड़ेगा फिर। तो इससे तो अच्छा यही है कि उनको ना मैं चरा लूँगी थोड़ी देर, और घास के मैं ना दो पुल्ले उठाती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं उठा पाती हूँ, अभी तो एक ही ले जा रही हूँ। तो अभी मैंने छोड़ लिया है अपनी बकरियों को चराने को, और जब तक इन्होंने चरना ना यहाँ पे, तब तक मैं आपको सुबह की एक बकरी दिखाऊंगी, सुबह बनाई थी मैंने। तो यहाँ पे मैं सुबह सुबह खाना बनाने लगी थी और आटा गूंथ रही थी पहले तो, और मैंने क्या किया था कि साथ साथ में बकरियों को छोड़ दिया था बाहर खुला, तो ये पहुँच गई थी अंदर रसोई में। मैंने तो छोड़ा था इनको खुले, इसलिए कि ये थोड़ी देर चरेगी तो ये अपना पेट भर लेगी, पर ये कहाँ चरने वाली थी। और साथ में फिर मैंने यहाँ पे दूध भी रखा था लगाने को, तो यहाँ पे हमारा दूध भी लग गया था, और बकरियाँ फिर से देखिए हमारे यहाँ पे बैठ गई। ये जाने वाली नहीं है यहाँ से, जब तक मैं नहीं निकलूँगी ना अंदर से तब तक नहीं जाएगी। तो ये तो थे आज सुबह सुबह के समाचार। अब मैं एक क्लिप आपको और दिखाती हूँ, वो क्लिप मैंने कल की बनाई हुई है। तो वैसे रोज़ मुझे वीडियो बनाने को टाइम लगता है, लेकिन अगर कभी एक आध क्लिप बन गई ना तो उसको फिर मैं इकट्ठा किसी वीडियो में अपलोड कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं अपने आंगन को साफ करने लग गई थी, क्योंकि रोज़ रोज़ बारिश हो रही है ना, तो बारिश की वजह से हमारे आंगन में सवाल जैसे जम जाती है, तो उसमें ना चलने को डर लगता है, फिसलते हैं बार बार यहाँ पे, तो ब्रश पे रगड़ रगड़ करके धोना पड़ता है। अभी कुछ दिन पहले धोया था मैंने, फिर से हो गया अभी धोने को। देखिए लंगूर की शैतानी, तो देखिए ये भुट्टा है मेरे हाथ में, और यहाँ पे है मक्के का पौधा, ये आंगन में है तो यहीं पे ही आकर के इसको खा गया, पर हरदीप ने इसको छुड़ा लिया, पूरे नहीं खाने दिया उसको। तो अभी बजने लग गए हैं 7 और अंधेरा भी होने लग गया है, तो इनका पेट अभी भरा नहीं है, तो अभी भी यहाँ पे चर रही है, पर अभी मैं इनको बांध लूँगी और भैंस का दूध निकालने को जाऊँगी फिर। तो जी अभी भैंस का दूध निकाल करके भी आ गई हूँ, अब बनाऊँगी खाना, और खाने में अभी मैं बनाऊँगी ब्रंज। तो यहाँ पे लिए है मैंने चावल, इनको मैं छांट रही हूँ पहले थोड़ा सा, और ये घर के चावल है ना काफ़ी लिए है इस बार हमने, तो अभी तक चले हैं ये, तो फटाफट से ब्रंज बनाऊँगी, जल्दी भी हो जाएगा। और ब्रंज बनाने के लिए मैंने पहले से यहाँ पे ना सब्जी को तड़का लगाया, लौकी लौकी की सब्जी कट भी देखिए काफ़ी सारी डाली हुई है, तभी टेस्टी बनती है ब्रंज फिर। और अब मैं डालूंगी कुकर में चावल, पानी भी डाल रही हूँ साथ में, और ढक्कन तो अभी लगानी है, ऐसे ही रखना है ऊपर से ही, क्योंकि ये है घर के चावल, अगर एकदम से ढक्कन चढ़ा देंगे ना कुकर का तो अच्छे से पकते भी नहीं है, और दूसरा फिर पानी निकल जाता है बाहर, मतलब जैसे अंदर स्टीम बनेगी ना, तो घर के जो चावल होते हैं इनके अंदर होती है पीच, तो वो पीच ऊपर को आने लग जाती है, चावल अच्छे से पकते भी नहीं है, तो इनको थोड़ी देर ऐसे पकाना पड़ता है, फिर बाद में लगाऊंगी ढक्कन भी, मतलब एक उबाल आने देना है इनको ऐसे ही। तो इस तरह से बनते हैं कुकर में घर के चावल बढ़िया। तो इतना ही था आज की वीडियो में, इसी के साथ ही मैं आज की अपनी वीडियो का करूँगी यहीं पे एंड। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिए, और जो लोग हमारे चैनल पे नए आए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय देव भूमि हिमाचल प्रदेश।